दोस्तों, इस वीडियो में आज हम आपको कुछ ऐसी चीजों के बारे में बताने जा रहे हैं जिनके बारे में सोचना तो दूर आपने पहले कल्पना भी नहीं की होगी। इस वीडियो में हम आपको दुनिया भर में अब तक की 9 बेहद ही अजीबोगरीब आर्कियोलॉजिकल डिस्कवरीज के बारे में बताने जा रहे हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। नंबर 9, लमाश्टू प्लेक। मेसोपोटामियन माइथोलॉजी के अनुसार किसी जमाने में लमाश्टू नाम की एक राक्षसी हुआ करती थी। इसके पूरे शरीर पर बड़े बड़े बाल हुआ करते थे। इसके मुंह में गधे के दांत का कान था। इसके पैर एक बड़े पक्षी जैसे थे तथा इसके पैर के नाखून बहुत बड़े बड़े हुआ करते थे। माइथोलॉजी के अनुसार ये राक्षसी गधे पर खड़ी या घुटने के बल बैठा करती थी। इसके हाथों में सांप हुआ करते थे। इसके अलावा इसके पास पिग और डॉग भी हुआ करते थे। ये बच्चे को जन्म के समय मार देती थी या ब्रेस्ट फीडिंग के समय बच्चे को किडनैप कर लिया करती थी। इसके बाद ये बच्चे का खून चूसा करती थी। इसके अलावा भी इसके बहुत से आतंक थे। जब इसका आतंक बहुत बढ़ गया तो इसके पति पाजुजू ने ही इससे लोगों की रक्षा करनी शुरू कर दी। माइथोलॉजी के हिसाब से जिस यंत्र का उपयोग उस राक्षसी को कंट्रोल करने के लिए पाजुजू ने इस्तेमाल किया था वो पेरिस में खुदाई के दौरान मिला था। इस यंत्र को लमाश्टू प्लेक कहा जाता है। लमाश्टू प्लेक भी अपने आप में काफी रहस्यमयी है। इसमें कई रहस्य छिपे हुए हैं, लेकिन माना जाता है कि इस लमाश्टू प्लेक का इस्तेमाल करके उस जमाने के कई बड़े बड़े राक्षसों को खत्म किया गया था। नंबर 8, मिस्टेकन बाइब्लिकल आइडेंटिटी। रोम में मौजूद सैंटी अपोस्टोली चर्च में पिछले लगभग 1500 सालों से एक हजारों साल पुरानी हड्डी को काफी संभाल कर रखा गया है। माना जाता है कि यह हड्डी क्रिश्चियन धर्म में बेहद पवित्र माने जाने वाले सेंट जेम्स की है। इसे 6th century के आसपास इस चर्च में लाया गया था। ये भी माना जाता है कि ये सेंट जेम्स क्रिश्चियन धर्म में सबसे ऊपर माने वाले जीसस के भाई भी हैं। इन्हीं मान्यताओं के कारण इस हड्डी को काफी श्रद्धा और सम्मान के साथ इस चर्च में रखा गया है, लेकिन जो हालिया रिसर्च किया गया है वो इन सभी दावों पर पानी फेरने वाला है। दरअसल रेडियो कार्बन डेटिंग रिसर्च से खुलासा हुआ है कि ये हड्डियां सेंट जेम्स की हैं ही नहीं, बल्कि ये किसी और व्यक्ति की हड्डी हो सकती है, क्योंकि जिस दौर में सेंट जेम्स थे और जिस काल की हड्डियां टेस्ट में पाई गई हैं, दोनों में काफी अंतर है। ये हड्डी अब भले ही सेंट जेम्स की ना हो, लेकिन वैज्ञानिकों ने इतना जरूर कहा है कि यह हड्डी शुरुआती दौर के किसी क्रिश्चियन की ही हो सकती है। नंबर 7, फिश लंग। कुछ साल पहले मोरक्को में एक व्यक्ति को पत्थरों तथा अन्य पदार्थों में अटा हुआ एक अंग मिला। जब ये मिला था तो साफ नहीं था कि यह क्या है तथा किस जानवर का कौन सा अंग है। जब इस पर रिसर्च किया गया तो पता चला कि यह किसी मछली का लंग है। इस बात का खुलासा भी 1938 में पहली बार तब हुआ जब इस प्रजाति की एक मछली का शिकार किया गया। रिसर्च में सामने आया कि जिस मछली का यह लंग है उसकी लंबाई संभवतः 17 फीट तक रही होगी। वैज्ञानिकों को इस बात पर भी हैरानी हुई कि मछली के शरीर का बाकी का हिस्सा कहाँ चला गया या फिर ये लंग यहाँ कैसे आया। इसके अलावा इस मछली की मृत्यु कैसे हुई इस बात का खुलासा भी रिसर्च में नहीं हो पाया है। हालांकि पूरे रिसर्च से जो सबसे ज्यादा चौंकाने वाली बात सामने आई और वो ये थी कि ये अवशेष कमोबेश 66 मिलियन साल पुराने हो सकते हैं। नंबर 6, एंशियंट सेसपिट। हाल ही में लंदन के एक मशहूर बिल्डिंग के पास खुदाई का काम चल रहा था। इसी दौरान बिल्डिंग के नीचे काम कर रहे मजदूरों को एक पुराना कूड़ेदान मिला। जब इस कूड़ेदान की जांच पड़ताल की गई तो इसमें से पुराने जमाने के मिट्टी के बने बर्तन, किचन में इस्तेमाल होने वाली छोटी छोटी चीजें, चम्मच, चाकू, बेल्ट, बक्कल समेत कई दूसरी चीजें मिली। इस कुएं की गहराई लगभग 15 फीट थी। यहाँ मिले बाकी सामानों के अलावा कूड़ेदान के तल में एक चित्र बनाया हुआ था। इस तरह के चित्रों का जिक्र अक्सर कथाओं में सुनने को मिलता है। वैज्ञानिक इस चित्र का रहस्य अब तक नहीं सुलझा पाए हैं। हालांकि ये जरूर पता लगाया है कि ये कूड़ेदान लगभग 16 से 17वीं शताब्दी का हो सकता है। इस पूरे इलाके में अब तक इतना गहरा कूड़ेदान तथा इस तरीके से रहस्यों से भरा हुआ अभी कटा हुआ भी नहीं मिला था। नंबर 5, लेही हॉर्स। 2018 में एक लैंडस्केपर्स को लेही यूटाह नाम के जगह पर एक घोड़े का कंकाल मिला। शुरुआती एनालिसिस के बाद एक्सपर्ट्स ने संभावना जताई कि यह एक बेहद खास किस्म के घोड़े का अवशेष हो सकता है। वैज्ञानिकों ने भी यह संभावना जताई कि अवशेष लगभग 16,000 साल पुराना हो सकता है, यानी कि ये हिमकाल के अंत के समय के हो सकते हैं। लेकिन अब जो रिसर्च के बाद जानकारी निकल कर आई है वो कुछ हैरान करने वाली है। दरअसल कार्बन एनालिसिस करने के बाद वैज्ञानिकों ने कहा है कि ये कंकाल 16,000 साल पुराना नहीं बल्कि 340 साल पुराना हो सकता है।
इसके अलावा रिसर्च से जो एक और महत्वपूर्ण जानकारी निकल कर आई है वो ये है कि ये कोई जंगली घोड़ा ना होकर एक घरेलू घोड़ा रहा होगा। जांच के दौरान घोड़े के अवशेष की गहराई से जांच करने के दौरान इसके दांतों से घास के अवशेष भी प्राप्त हुए। हालांकि इस घोड़े की मृत्यु इस जगह कैसे हुई होगी इसका ठोस जवाब वैज्ञानिकों को अब तक नहीं मिल पाया है। नंबर 4, एंशियंट शेल हॉर्न। 1931 में फ्रांस के मार्सेलस केव में शंख के आकृति की एक वस्तु मिली थी। शुरुआती जांच पड़ताल में वैज्ञानिकों ने अंदाजा लगाया ये वस्तु लगभग 18,000 साल पुरानी हो सकती है। इसके अलावा वो ये मानकर चल रहे थे कि यह उस समय का एक बर्तन हो सकता है जिसका उपयोग कुछ पीने के लिए किया जाता रहा होगा। लेकिन हालिया रिसर्च के बाद जो जानकारी वैज्ञानिकों के हाथ लगी है उसने वैज्ञानिकों के पुराने दावे को ही खारिज कर दिया है। दरअसल वैज्ञानिकों ने जांच के बाद पाया कि ये एक ड्रिंकिंग वेसल्स नहीं बल्कि एक इंस्ट्रूमेंट है। साथ ही उन्होंने ये भी पाया कि ये संभवतः ओल्डेस्ट नोन सी शेल इंस्ट्रूमेंट हो सकता है। इसकी गहराई से जांच करने के बाद ये भी पाया गया कि समय के साथ इस वस्तु को काफी नुकसान भी हुआ है तथा इसमें कई जगह सुराख भी हो गए थे। इसके अलावा इसके कई किनारे भी टूटे हुए थे। जांच के बाद वैज्ञानिकों ने ये भी आशंका जताई कि इस यंत्र का उपयोग हवा की दिशाओं का पता लगाने के लिए भी किया जाता रहा होगा। नंबर 3, अ पर्सनल एनग्रेविंग। हाल ही में इंग्लैंड के कैम्ब्रिजशायर में सड़क बनाने का काम किया जा रहा था। इसी दौरान यहाँ खुदाई के दौरान मजदूरों के हाथ एक बेहद अजीबोगरीब आकृति हाथ लगी। दरअसल एक पत्थर पर विशेष आकृति उकेरी गई थी। जो आकृति उस पत्थर पर थी उसे फैलस कहा जाता है। इसके आलस उसे किसी जमाने में पुरुष अपनी शक्ति से जोड़कर देखते थे। जांच के दौरान पाया गया कि ये आर्टिफैक्ट लगभग 2000 साल पुराने हो सकते हैं। इसके अलावा इस जगह से कई दूसरी चीजें भी प्राप्त हुई थी। नंबर 2, मालीवावा फिगर्स। ऑस्ट्रेलिया में मौजूद वेस्टर्न अर्नहम लैंड यहाँ मौजूद रॉक आर्ट के लिए दुनिया भर में जाना जाता है। यहाँ बड़ी संख्या में पहाड़ हैं तथा पहाड़ों पर एक से बढ़कर एक चित्र बनाए गए हैं। खास बात यह है कि ये सभी चित्र हजारों साल पुराने हैं। हाल ही में ऐसे ही एक क्षेत्र का पता लगाया गया है जहाँ पहाड़ों पर एक दो नहीं बल्कि 550 से भी अधिक पेंटिंग्स बनाए गए हैं। ये सभी पेंटिंग पहाड़ों पर ही बनाए गए हैं। ये 6000 से 9000 साल पुराने हैं। ये पहाड़ इस क्षेत्र में लगभग 80 मील में फैला हुआ है। इन पेंटिंग को मालीवावा फिगर्स नाम दिया गया है। इस पेंटिंग्स में अलग अलग तरह के जानवरों के चित्र पहाड़ों पर उकेरे गए हैं। इसके अलावा जानवरों के साथ इंसानों की भी तस्वीरें वहां बनाई गई हैं। विशेषज्ञों की राय है कि इन चित्रों के जरिए इंसानों तथा जानवरों के बीच के रिश्ते को दर्शाने की कोशिश की गई है। पहाड़ों पर कुछ ऐसी तस्वीरें भी हैं जो गौर से देखने के बावजूद समझ नहीं आती हैं कि उसमें क्या दर्शाने की कोशिश की गई है। यहाँ मौजूद चित्रों को देखकर पता चल जाता है कि कौन सी तस्वीर मर्द की है या कौन सी तस्वीर औरत की है। लेकिन यहाँ कुछ ऐसी तस्वीरें भी हैं जो देखने में इंसानों की लगती हैं लेकिन वो पता नहीं चल पाता है कि वो मर्द है या औरत। इसका भी रहस्य वैज्ञानिकों को हैरान करता है। नंबर 1, ह्यूमन स्कल टावर। मेक्सिको के एक शहर में एक ऐसी बिल्डिंग है जिसकी दीवारें चारों ओर से सिर्फ और सिर्फ इंसानी खोपड़ी से ही अटा पड़ा है। इस बिल्डिंग का पता सबसे पहले 2015 में लगा था। इसके बाद यहाँ 2015 से 2017 के बीच खुदाई की गई। इस दौरान यहाँ 400 से अधिक इंसानी खोपड़ी पाए गए। इनमें कुछ खोपड़ी औरतों के तथा कुछ मर्दों के थे जबकि 3 खोपड़ी बच्चों के थे। जब कुछ और खुदाई यहाँ की गई तथा जांच पड़ताल आगे बढ़ाई गई तो इस क्षेत्र से कुल 600 से अधिक इंसानी खोपड़ी बरामद किए गए। जिस जगह पर इतनी सारी खोपड़ियां मिली हैं दरअसल वो जगह धार्मिक मान्यताओं से भी जुड़ा हुआ है। माना जाता है कि यहाँ कुछ लोग किसी जमाने में खुद बलि दिया करते थे जबकि कुछ लोगों को मरने के बाद यहाँ लाकर रख दिया जाता था। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो। उम्मीद है कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो के बारे में अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर भी कर दें। अगर आपने अब तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबा लें ताकि आप तक ऐसे ही रोचक वीडियो लगातार आती रहे। धन्यवाद।